धरती क्या है? माँ है धरती, धरती माँ है बिल्कुल। ये क्या निकाले, दिखाएं 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 दिखाएं। ये भाई पौधा तोड़ा हमने यहाँ से, इसका ये दूध की तरह कुछ वाइट पेंट निकल रहा है, ऐसे छील के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। बड़े दिनों बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़े दिन बिजी था तो अभी फारिग हुआ हूँ। तो जिस तरह आप देख रहे हैं मैं अभी पंजाब में हूँ, तो आज आपको विलेज लाइफ दिखाते हैं। और मैं लास्ट व्लॉग भी विलेज लाइफ पर था, तो अभी चलते हैं कहीं, चले आए देखते हैं कहाँ जाए, चले क्या देखना पसंद करेंगे गाइज आप लोग, तो जल्दी से बताएं मुझे ताकि फिर हम वो चीज़ बनाएं। मौसम बहुत सर्दी है, अभी कुछ दिन निकला हुआ है तो इतनी महसूस नहीं हो रही, लेकिन आज मौसम बहुत ठंड है। तो गाइज और सुनाए क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक मज़े में हैं आप लोग? कोई रिस्पांस नहीं दे रहे यार आप लोग, मुझे अच्छा रिस्पांस दें, कुछ मोटिवेशन मिले तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। तो अभी मैं निकल रहा हूं घर से और अभी कुछ दोस्तों को उठाते हैं, कुछ प्लान्स हैं हमारे, तो आगे चल के आपको पता चलता है क्या हमारे अभी प्लान्स हैं, कहाँ जाना है, क्या खाना है और क्या दिखाना है आप लोगों को। तो थोड़ा भी डिसाइड करते हैं, मैं कॉल कर लूँ भाईजान को ज़रा, तो फिर आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे। अभी गाड़ी में हीटर चलाया मैंने तो देखें पसीना आना शुरू हो गया है, लेकिन ठंड बहुत है इधर, तो चले चलिए चलते हैं। अस्सलाम भाई जान, कैसे हैं? कैसे हैं शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह आ जाए आ जाए, चले भाई आज हम जा रहे हैं एक, तो अंसर भाई हमारे साथ हैं, इशाद भाई हमारे साथ हैं, तो चलिए अभी इनको पिक किया है आगे निकलते हैं। ये देखें सामने माहौल चेक करें आप, वाह बात है। अभी हम पी लेते हैं गन्ने का रस, आपको दिखाते हैं देसी फूल। और ये देखें सामने आ रहा ट्रैक्टर, हो रही है सामने देखें ट्रैक्टर आ रहा है, और ट्रैक्टर निकल जाएगा भाई जान, चले बाहर निकलते हैं, आ जाए बाहर आ जाए जरा माहौल देखें। ये देखें भाई जान, भाई जान क्या पी रहे हैं आप लोग? भाई आज जो है ना हम एक भाई के पास आए हुए हैं गन्ने का रस पीने के लिए, ये साफ सुथरा करके हमें पिला रहा है, और ये देसी गन्ना है, तो ये जो है गन्ने का रस यहाँ ताज़ा मिलता है। ये देखें भाई जान बिल्कुल फ्रेश करना है, हाइजीन का ख्याल हो रहा है यहाँ पर, देखें साफ सुथरा। अदरक डालिएगा भाई जान, वाह भाई वाह क्या ही बात है। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं गांव की बेहतरीन लोकेशन पर, जहां पर आज हमने खानी है फिश। तो अंसर भाई हमारे साथ हैं, वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी जिस तरह आप ये रोड देख रहे हैं, बाइक्स पे चलते हैं और आपको फिश का एक माहौल दिखाते हैं कि कैसी वहां फिश मिलती है। गाइज ये देख रहे हैं आप सामने, ये है दरियाए चनाब, और इसी के सामने जो आप देख रहे हैं कि ये जो जगहें हैं ये सारे रेस्टोरेंट हैं फिश के, मतलब के वो ढाबे टाइप बने हुए, ये देखें आप। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, दोस्तों का कुछ वेट कर रहा हूँ, तो फिर आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ सीन्स क्या चल रहे हैं आगे।
जाए भाई जान, आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्या हाल? ठीक है। ये आ गए हम देखें फिश के ढाबे पर, और सामने देखें आप सनसेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं फिश। ये देखें यहाँ तले की, वो भाई जान दिखाएं। देसी है, कौन सी है? फार्म की तो नहीं है फिश? देसी है, फार्म की है, दोनों दिखाएं। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, तो अभी फिश का ऑर्डर दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो बन रही है, उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। ये देख, इतना खूबसूरत माहौल है इस वक्त, और मैं अभी यहाँ पर हूँ पंजाब में। ये पूरी आप स्ट्रीट देख लें, लास्ट तक दरिया है, आगे दरिया के पास भी ये बने हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ तक, यहाँ तक आपको मिलेंगे। ये देखें भाईजान तैयार कर रहे हैं, अभी साफ पानी में इसको धोएंगे और ये ऑयल भी चेंज करेंगे। देख गाइस, हमारी फिश तैयार हो रही है। ये भाईजान है यहाँ पर, फिश बहुत अच्छी बनाते हैं। ये देखें आप, ये बन रही फिश। कैसी है भाईजान? शाद भाई कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। गाइस अभी हम घूम रहे हैं अपने फॉर्म में आम के। ये है सामने हमारे दादाजी का फॉर्म, ये मेरे कज़न का है, और ये किसके आंसर भाई? ये हमारे मामू। भाई आपको कुछ दिखा दें, कुछ फसल वसल दिखा दें भाई। इन किस चीज़ की फसल है अभी आजकल? भाई आजकल गंदम की फसल है ये, गंदम की। चले आपको गंदम दिखा। ये देखें गाइस सामने गंदम की फसल कितनी खूबसूरत। और अभी मैं गंदम की फसल पर खड़ा हूँ, आप गाइस जा रहे हैं अभी हम लोग दरिया की तरफ, दरिया जहाँ पर है वहाँ भी गंदम काश्त की हुई है लोगों ने, तो वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे सामने ही है बिल्कुल, ये देखें, ये नीचे एक दरिया का हिस्सा है, वहाँ से आ रहा है दरिया का वो पानी आता है, यहाँ से ही निकल जाता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और आपको दिखाते हैं सारी फसल जो आप देख रहे हैं, ये सारी गंदम की काश्त हुई हुई है। अंसर भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं आगे? आगे हम चलते हैं, बोर चल रहा है, ताज़ा पानी देखते हैं। ट्यूबवेल चल रहा है आगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपको दिखाते हैं ना उसका पौधा, ये सरसों, सरसों का साग भी इसी से बनता है, और ये सरसों का तेल भी बनता है, और ये सरसों का साग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये चेक करें आप, कितना हसीन मौसम है, सनसेट हो रहा है, और आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये सरसों का साग भाई जान, ये साग है ना? ये भी साग, ये साग, ये सठड़ी का साग कहलाता है। ये सरसों का नहीं है। किसका है? सठड़ी का साग। चले भाई इंसान, चले चले चले। चलो भैया, ये है गंदम, और आगे आपको लेके चलते हैं आगे। ये क्या है भाई? ये भी गंदम है भाई, गंदम है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। ये माशाल्लाह एक डेढ़ महीने में कटेगी, तैयार हो जाएगी। वो सामने देखें आप, सरसों का साग लगा हुआ सामने। ये क्या निकाला? दिखाएं 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 दिखाएं। ये भाई पौधा तोड़ा हमने यहाँ से, इसका ये दूध
की तरह कुछ वाइट पेंट निकल रहा है। ये देखिए शक्ल दिखाएं पौधे की कैसी है। ये देखिए कौन सा पौधा है, हमें तो नाम नहीं आ रहा इसका। कौन सा गाइस अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताएं कौन सा पौधा है, इसको क्या बोलते हैं। ये इसको तोड़ने से बूटी जड़ी बूटी लग रही है भाई जान। ये देखिए ये गंदम में हुई भी है। ये क्या है पता नहीं, आप बताइएगा इसके बारे में अगर आपको पता है क्या बोलते हैं कौन सी जड़ी बूटी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें भाई ये देखें, आप देख रहे हैं गंदम की फसल और सामने ही सनसेट हो रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत फसल है और ये आप पूरा पिंड देख रहे हैं पिंड। आप बताएं कुछ गंदम की फसल के बारे में ज़रा, हमारी की मेहनत है, हमारी ऑडियंस को बताएं जिसके बाद सब खाते हैं पूरे दुनिया में जाते हैं ये गंदम। लेकिन आजकल तो भाई इस जो गंदम है ये वाली इसके इतने रेट हैं, इस गंदम के आजकल इतने रेट हैं तो क्या बताएं। कराची के अंदर तो 11,000 रुपए मन आटा हुआ हुआ है और इसी में से घास भी निकलता है, क्या कहते हैं उसको, भूसा निकलता है, इंसानों के लिए आटा निकलता है, जानवरों के लिए भूसा निकलता है। ये किसान की मेहनत है, आप किसान की मेहनत देखिए तो आपको अंदाजा होगा किसान कितना मेहनत। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंसर भाई ओवरसीज जो रहते हैं हमारे पाकिस्तान से बाहर, वो लोग तो ये देखने के लिए बड़ा तरसते हैं ना जो पिंड के होते हैं खास तौर पर पंजाब साइड के। जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उनके बारे में भाई, मैं आपको यही, आपको सऊदीया में होते हैं आप ओवरसीज में जितना है आप कोशिश करें, आप पाकिस्तान में हैं यहाँ इन्वेस्ट करें, अपनी ज़मीनें वगैरह पर देखभाल करें। आप ये देखेंगे माशाल्लाह किसान ने मेहनत की, अभी ऐसी मेहनत करें आपको उसका फल मिलेगा। आप बाहर जाते हैं मेहनत करते हैं, वहाँ भी आप काम कर रहे हैं, इससे बेहतर है पाकिस्तान में आके काम करें। अपने मुल्क धरती माँ है, बिजनेस है, धरती क्या है, माँ है, धरती माँ है, बिल्कुल कभी किसी को भूखा नहीं। ज़मीनें हैं, बाहर ना जाएं, मजदूरी ना करें, अपना काम करें और अच्छी रोजी कमाएं। इधर भाई क्या निकाल रहे हैं आप भाई? ये हम इसको तो मुझे पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन इसको वो बोलते हैं क्या, गंदल बोलते हैं इसको, खाते हैं। ये साग है क्या? ये साग है, बचपन में हमने बहुत खाई है लेकिन आज टेस्ट करते हैं काफी अच्छे बाद। मुझे तो देख लेना भाई कोई गलत चीज़ नहीं खिला देना भाई, इंशाल्लाह बस ज़्यादा नहीं निकाले, बस दो दाना निकालते हैं, एक दाना आप चेक करेंगे एक दाना हम चेक करेंगे। चलें भाई चेक करें, काफ़ी अर्सा हो गया हमने नहीं खाई, चेक करें लेकिन है वही है कोई और चीज़ है ये तो पता नहीं है, चेक करते हैं गंदल ये खाएं। गाइस बताएं ये खा सकते हैं या नहीं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आज खाएं ज़रा, इसको पहले ऐसे छीलते थे हम, कैसे ऐसे छील के ऐसे भाई, खट्टी है। नहीं नहीं छीलना है ना भाई, अच्छा अच्छा छीलना है, देख छीला मैं छील लूँ ना भाई, ऐसे छीलते थे और साथ में हम लून मिर्च लगा के खाते थे, लून मतलब नमक लगा के हम लोग खाते थे। अभी मुझे काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं खाई, चले चेक करते हैं। वो नहीं है, वही लेकिन इसका टेस्ट काफी बदल गया क्योंकि हालात की वजह से। नहीं भाईजान आप खाएं, मैं नहीं खा रहा भाईजान, आ जाए। नहीं नहीं अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, आप खाएं, आप खाएं, मैं नहीं खा रहा भाई, चले। तो गाइस मैंने आपको आज गंदम की फसल दिखाई, आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलें। और अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।